क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी डेट 2 जुलाई 2020। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और आपने पहले भी हिंदी पढ़ा होगा। आपका फर्स्ट चैप्टर है यातायात, उसमें चित्र दिखाया गया है, पिक्चर दिखाया गया है और उसमें स्टोरी बताई गई है। और सेकंड चैप्टर है आपका गिनती। तो आज स्टूडेंट हम पहले गिनती रिवीजन करेंगे। आपने पहले भी गिनती पढ़ी होगी और आज उसी को फिर से रिवाइज करेंगे और हम उसके बारे में लर्न करेंगे। जैसे हमने गिनती 1 से लेकर 20 तक लिखा है, 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आज हम 20 तक गिनती पढ़ेंगे और इसको बार बार रिवीजन कर लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से लर्न हो जाए, लिखने में भी आसानी हो और कहीं दिक्कत ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं, अंक। ये जो नंबर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, अंक। और शब्द भी इसको अंक लिख बताया हमने, तो इसको हम लिखाएंगे आपको शब्दों में। ये क्या है, इसको अंक में बोलते हैं और हम यहाँ शब्द में लिखेंगे। अब यहाँ हम शब्द में लिखेंगे। वर्कशीट जाएंगे, इसी से रिलेटेड वर्कशीट भेजेंगे हम आपको, उसी में आपको अंकों से शब्दों में लिखो, शब्दों में अंकों से लिखो और आगे क्या आता है उसके पीछे क्या आता है, यानी कि आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, ऐसे करके आपके वर्कशीट जाएंगी। तो हम फिर से रिविजन करके हमने क्या लिखा है, या इसको अंक बोलते हैं, ये शब्द आता है। तो ये क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। फिर आगे लिखते हैं 6, 7 10। अब हम आगे बढ़ेंगे 11। जैसे इंग्लिश में आप पढ़े होंगे ना, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 20, 20। उसी तरह हिंदी में आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2020। बच्चों आप इसको क्या बोलते हैं, अंक। अब मैं इसको शब्द में लिखूंगी, अंक।
आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, 11, 12, 13, 14 19। क्या लिखेंगे हम? 19। आपको वर्कशीट में जो यहाँ से जाएगा आपको उसमें फिल करके लाना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है और कंप्लीट करके लाना है। ओके बच्चों, फिर से एक बार रिवीजन कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वीडियो कम दिखा दिया इसलिए थोड़ा इसको ठीक कर लेंगे। आपको समझ में आ गया अंक और शब्द में क्या करते हैं? अब हम इसको अंकों में लिखो और शब्दों में लिखो, दोनों तरह से लिखाएंगे आपको, फिर इसको मैच करना बताएंगे, जोड़े मिला। अंकों में लिखो, तो यहाँ अंक में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अंक
क्या लिखा हमने, 15 के अंक में है या शब्द में, शब्द में, तो हम शब्द में है तो क्या लिखेंगे, अंक में लिखिए, तो अंक में कैसे लिखेंगे, 4, 5, 9, 12, 15 समझ में आ गया। ओके वेरी गुड। इसको हमने कैसे लिखा, शब्द में, 16, 20, 30, 14, 18 तो अब इसको हम अंक में लिखेंगे। ओके अंक में लिखेंगे।
लिखा होगा, अंक लिखा होगा, फिर आपको शब्द में लिखना है। तो मैं अभी आपको लिख कर बता रही हूँ, दो ज़्यादा, मैं 50 तक कराऊंगी तो
तो आप कोई सी भी पिक्चर करके 50 तक लिख सकते हैं। अगर आपको और अच्छा लगे तो इसके अंदर आप कलर भी भर सकते हैं, तो कलर लगे लिखे हम भरेंगे तो आपको और भी अच्छा लगे। तो जैसे आपको क्रम में लिखने के लिए बता दो, यहाँ आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका काउंटिंग करने का आसान तरीका है। तो 10 से बड़ा करना होता है, हम थोड़ा बड़ा पिक्चर ले लेंगे तो उसके बाद से लिख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, एकदम इजी है और आपको अच्छा करने के लिए कलर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्री ही करना, आप चाहे तो दूसरा ड्रॉ भी पिक्चर कर सकते हैं ऐसे। ओके, और इसमें आप क्रम के अनुसार कर सकते हैं, चाहे तो आप स्नेक बना सकते हैं, कुछ भी पिक्चर ड्रॉ करके उसके अंदर आप नंबर क्रम के अनुसार लिख सकते हैं। तो आपको तो इतना तो समझ में आ गया ना, अंकों को शब्दों में लिखो, शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं। कभी शब्द में आ सकते हैं तो अंक में लिखना है, अंक में आ सकते हैं तो शब्द में लिखना है। और हम ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, खाली जगह भरो। जैसे आपका आ जाएगा यहाँ ऐसे है, 16 यहाँ ऐसे रहेगा, तो 17, फिर यहाँ 18, फिर 3 यहाँ क्या आएगा, 4 और 5। अभी मैं आपको आज 1 से 20 तक गिनती बता रही हूँ, उसके आगे भी मैं बताऊँगी। और अभी हम सही जोड़े मिलाए थोड़ा सा देख लेंगे। आप तो ये समझ गए कि ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स आता है उसी तरह आ सकता है, तो आपको उसके बीच में लिखना है कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं शब्द में भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपको 2, देखा ये ब्लैंक रहेगा, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 4, तो आप 4 लिख सकते हैं। जैसे 12, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 13 और यहाँ 14। ओके बच्चों, तो यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 3, 12 के बाद 13। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम सही जोड़े मिला क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सही तो आपको लिखना है यहाँ 4, 5, 16, 20, 12। यहाँ आ जाएगा आपका अ, ये अ, ये ब करके ऐसे है। ओके, तो आपको मैंने क्या लिखा, 4, 5, 6, 20, 12। तो इधर क्या लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि यही नंबर लेंगे, यहाँ शब्द में लिखेंगे, ये अंक में है तो हम यहाँ शब्द में लिखेंगे, तो उसको आपको मैच करना है। तो जैसे
लिखा 12, ओके, फिर 20, बारह बीस 16, 16, 5, 5, फिर 4। तो मैच करने के लिए ऐसे भी करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, ओके। फिर हम यहाँ लिखेंगे क ख ग घ च, ऐसे आपको लिखे हुए आएंगे। तो आपको आंसर लिखना है इसमें 1 का, ये अंक है तो शब्द में कहाँ लिखा है 4, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, ऐसे आंसर लिखेंगे, उत्तर आपका ऐसे लिखना है। 1 का क्या है, एक नंबर में आपका च, फिर 2 नंबर में क्या है आपका, यहाँ आपको देखना है 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में 5 है, तो आपको इसमें देखना है कि शब्द 5 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे घ, आपको 5 नहीं लिख देना है, घ, तो आंसर राइट हो जाएगा। फिर आपने देखा 3 नंबर, हमने 3 नंबर दिया है, तो आपको यहाँ देखना है 3 नंबर में क्या है, 16, तो यहाँ कहीं शब्द लिखा हुआ है 16, हाँ ये रहा, तो हम 16 का क्या लिखेंगे, कौन से में है ग। फिर 4 नंबर में हम देखेंगे क्या है 20, तो आप यहाँ ढूंढो 20 दिखाई दे रहा है शब्द कोई, ओके बच्चों, तो 20 ख, 4th नंबर में ख, ओके। फिर 5th नंबर में, 5th में क्या है 12, तो आपको कहीं यहाँ दिख रहा है कि 12 इसमें शब्द लिखा हुआ है, देखो तो सही, 4, 5, 16, 20, 12 कहाँ है, ऊपर पर क्या है ये क, तो क हम लिखेंगे 5 नंबर में क 12, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। और आपको एक दूसरे से मैच करना है, इसमें अलग अलग से आएंगे, 1 से लेके 20 तक हमने कराया, तो 1 से 50 तक भी होगा, और उसमें 1 से 50 तक होगा, उसमें भी अंकों को लिखो शब्दों में, शब्दों को लिखो अंकों में, एक दूसरे से मैच करेंगे, खाली जगह भी होगा, उसके आगे क्या आता है, उसके पीछे क्या होता है, उसके बीच में क्या लिखते हैं, 16 के बाद क्या आता है, 18 के पहले क्या आता है, 25 के बाद क्या आता है, 30 के पहले क्या आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आज गिनती तो बहुत अच्छी तरह से लर्न हो गई होगी, आई होप आप बहुत अच्छे से सीख भी गए होंगे, और इसको आपको नोट में बार बार लिखना है, लर्न करना है और रिवीजन करना है। वर्कशीट जब जाएगी तो आपको वर्कशीट के हिसाब से उसमें फिल करके आपको रखना है, और बार बार रिवाइज करते रहना है, ओके बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा, गिनती 1 से 20 तक गिनती सीखा, सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2, 1 में यातायात था, पिक्चर था, तो वो बाद में उसका हम देखेंगे, और ये आपको 2nd चैप्टर में गिनती है, तो गिनती रिवीजन करना था, इसलिए फिर से मैं रिवाइज कराई, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, एक बार और से फिर से हम 1 से लेके 50 तक गिनती हम करेंगे, ओके बच्चों। तो आज के लिए बस आपको इतना